દિલ્હીમાં પણ નવા કેસોમાં ગત દિવસની સરખામણીએ થોડો ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા 9 દિવસથી નવા કેસમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. કોરોનાની ત્રીજી લહેર દરમિયાન 20 જાન્યુઆરીએ સૌથી વધુ 3,47,000 નવા કેસો મળી આવ્યા હતા. તો હાલમાં દેશમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા એટલે કે સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની સંખ્યા 18,00,000ને પાર છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 4,483 કેસ નોંધાયા છે, તો સાથે જ પોઝિટિવિટી રેટમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ત્યારે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં કોરોનાના કેસની શું સ્થિતિ છે, આવો જોઈએ અમારા સંવાદદાતા નવીન નિષાદના વિશેષ અહેવાલમાં. राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी की दर है उसमें भी लगातार कमी आ रही है. आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना के 4,483 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं जो पॉजिटिविटी की दर है वो भी घटकर अब 7.41% दर्ज की गई है. जो मौत के मामले हैं उसमें भी लगातार कमी देखने को मिल रही है और दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है उससे जुड़े अधिकारियों का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और भी कमी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही जो पॉजिटिविटी की दर है उसमें भी कमी दर्ज की जाएगी. बता दें कि अभी के समय राजधानी दिल्ली के जो कोरोना अस्पताल है उसमें 85% बेड अभी के समय खाली है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार ये कह भी रहे कि जो वैक्सीनेशन की दर है दिल्ली में वो काफी अच्छी है, जिस कारण कहीं ना कहीं जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनकी ठीक होने की जो दर है वो भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अच्छी है. जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली.